नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का ऐलान जल्द होने वाला है। वहीं दो सीटों पर उपचुनाव का ऐलान बीते दिनों हो चुका है, जबकि अगले साल लोकसभा चुनाव भी होने वाले हैं। इसी बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ बदायूं से बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य ने मोर्चा संभाल लिया है। दरअसल बीते 29 मार्च को दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा द्वारा ओबीसी सांसदों की बैठक वेस्टर्न कोर्ट में आयोजित की गई थी। बीजेपी की बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में की गई थी। इसमें बीजेपी पिछड़े वर्ग के मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मण भी शामिल हुए थे। इसी बैठक में बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य ने भी हिस्सा लिया था। खास बात यह है कि यूपी में सपा का खास फोकस ओबीसी वोटर्स पर रहा है। बीते दिनों कोलकाता में हुए सपा के राष्ट्रीय अधिवेशन की तस्वीरों को देखने के बाद ओबीसी फैक्टर को भुनाने पर की चर्चा जो है वो काफ़ी जोर शोर से उठ रही है। लेकिन अब बीजेपी की बैठक की तस्वीरें खुद संघमित्रा मौर्य ने शेयर की हैं। इसमें बीजेपी सांसद के अलावा जेपी नड्डा और डॉक्टर लक्ष्मण भी नज़र आ रहे हैं। इसके बाद अब चर्चा शुरू हो गई है कि क्या पिता स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ बेटी संघमित्रा मौर्य खुलकर सामने आ गई हैं, जिसकी गवाही सांसद से लेकर तमाम तरह के लोगों ने जो तस्वीरें शेयर की हैं उनसे पता चलता है। बता दें कि रामचरितमानस विवाद के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ बेटी संघमित्रा मौर्य को लेकर तमाम तरह की अटकलें जारी थी, और इस बात को लेकर भी अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या संघमित्रा मौर्य अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी में शामिल हो जाएंगी। हालांकि संघमित्रा मौर्य ने दावा करते हुए कहा था कि मैं आगामी लोकसभा का जो चुनाव होगा वो बीजेपी के टिकट पर बदायूं से दोबारा लड़ती हुई नजर आऊंगी। अगला लोकसभा बदायूं से ही लड़ेंगे। बदायूं में हम लगातार बेहतर विकास का काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। अब आपको क्या लगता है कि सियासी राजनीति में फ़ायदा उठाने के लिए फिलहाल संघमित्रा मौर्य जो है वो बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन क्या बीजेपी का दामन स्वामी प्रसाद मौर्य की तरह बेटी भी छोड़ती हुई नजर आएंगी? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएगा। देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़। इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।